गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह हो चुकी है और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी जो है खाना वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं नीरज और हमारे भैया ने थोड़ा जो है गन्ना, अभी प्राइवेट फैक्ट्रियाँ होती ना वो छोटी वाली, तो उसमें जो है बेच कर आए थे। वहाँ पर जो भी पेमेंट लेना है तो हम लोग दोनों लोग जा रहे हैं, वही आई थिंक 15 किलोमीटर के आसपास फैक्ट्री होगी, तो वहाँ पे चलते हैं और पेमेंट लेकर आते हैं। फाइनली अभी आ गए के पास, लगभग आई थिंक वही 15 किलोमीटर के आसपास पड़ा। और हमने जो है फर्स्ट टाइम साइकिलिंग की ऑन 15 किलोमीटर। भाई वैसे तो हालांकि इतनी दूर तो अपना स्कूल भी नहीं था, वही आई थिंक 3 किलोमीटर के आसपास था। पे पास में जो है चीनी गिरती, इधर देख सकते हैं, ये देखिए जो है जाली से चीनी गिरती है और इधर यहाँ पे जो है टॉल वगैरह होती है, उसके बाद वहाँ पे स्टॉक में लगाया जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि यहाँ पे जो मिल होते हैं अपने वहाँ से छोटी चीनी काफ़ी ज़्यादा महीन होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है, बट मैं भी आपको दिखाता हूँ। बहुत महीन चीनी है तो दिख नहीं रही है, वाइट वाइट सी इधर गिरती है, भी दिखाते हैं। और इधर देखिए ये अभी जो है रोड ही गंदी है, तो इसको शायद ऐसे स्टॉक में लगा देते हैं, सफाई वगैरह नहीं करते, और वो उधर लगे तो काफ़ी, ये प्राइवेट होती है ना तो मिल से थोड़ा छोटी होती है, गवर्नमेंट से इनको भी सर्टिफिकेट बनवाना होता है, उसके बाद ये अलाउ होती है चलने के लिए। और इस वाले जो है बॉक्स से इसमें चीनी गिरती है। सामने आपको बोरियां दिख रही होंगी, वहाँ पे जो स्टॉक लगाया जाता है शक्कर का। फाइनली पेमेंट मिल चुका है। ₹15,012। यहाँ पे बहुत जो है हमें अजीबोगरीब मशीनें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे तौल होती है गन्ने की, उसके बाद अंदर जाके, और इधर यहाँ पे जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर यहाँ पे तो ये शायद सीरा वगैरह बनता है, और उसके बाद यहाँ पे सामने देख रहे हैं जो गन्ने की मई होती है, जिसे मई बोलते हैं, हालांकि वो मल होता है ऊपर का गंदगी, तो ये खेतों में काम आता है डालने के लिए, तो वही इधर जो स्टॉक की हुई है, लगाई गई है, तो इसको खेतों में डाल के अच्छी उपज पैदा कर सकता है किसान। यहाँ पे होती है गन्ने की उतराई, ये देखिए यहाँ पे एक्सपेलर वगैरह चल रहे हैं, गन्ने की कटाई होती है, चैन वगैरह लगी हुई है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, और इधर ये ट्रालियाँ लगी हुई हैं साइड से जाती हैं। वैसे हालांकि काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है, ये देखिए काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है, ये इधर चैन लगी हुई है, ये इधर ट्रालियाँ लगी हुई हैं खाली होने के लिए। अरे बॉक्स तैयार किया गया है। अगर गन्ने की रेट की बात की जाए तो लगभग वही 295 के आसपास, और मिल में 350 रुपये के आसपास प्रति कुंटल के हिसाब से बिकता है, तो वही 60 रुपये के आसपास जो है किसान का लॉस हो जाता है, बट इसमें जो है नगद पेमेंट मिल जाता है, और मिल में थोड़े दिन के बाद वही आई थिंक 1 हफ्ते के बाद पैसा मिलता है, तो यही हो जाता है। हालाँकि यहाँ पर बेचने से ये हो जाता है कि किसान को नगद पेमेंट मिल जाता है और जो है उसे अपना काम का निपटारा कर लेता है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. ये यहाँ पे जो है मिल गेट का पास बना हुआ है, यहाँ से जो एंट्री होती है उसके बाद अंदर मिल के जा सकते हैं, मेरे को जो है बेच सकते हैं, तो यहाँ से जो है परमिशन लेके अंदर जा सकते हैं।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी टाइम हो रहा है 7:20, तो और आज जो हम व्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पड़ोस में अखंड पाठ हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो हम जो है घर पे व्लॉग शूट नहीं कर पाए। और हो सकता है आप लोगों को जो है हल्के से सुनाई दे रहा होगा क्योंकि बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हम अपने अंदर वाले रूम पे आ गए हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कम आती, तो इसलिए जो है ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।